फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप भी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस फ्रेंड्स, हम कैसे अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत होती है। यस फ्रेंड्स, और वो चाबी है हमारी जिम्मेदारी। यस, जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने ही सफलता का द्वार खुद खोल रहे होते हैं दोस्तों। यस, जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। वो कभी भी इस इंतजार में नहीं बैठता है कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यस फ्रेंड्स, जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दोनों ही मिलती है। डियर फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं डालता। यस फ्रेंड्स, किसी दूसरे पर ब्लेमिंग नहीं डालता बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उन्हें कभी ना दोहराने की सीख भी लेता है। फ्रेंड्स, यस, सीख भी लेता है। और आप जानते हैं इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हैं, उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है आप जानते हैं तब वे दूसरों पर ही इल्जाम लगाते हैं। यस फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्त, यस फ्रेंड्स, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो या तो माता पिता को दोष देते हैं या दोस्तों को, भगवान को, रिश्तेदार को, ग्रह नक्षत्र, गुरु, भाग्य, इन सबको ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। यस, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं फ्रेंड्स। यस, क्योंकि ये लोग हर काम में शॉर्टकट की ही तलाश करते हैं। उन्हें आप कुछ काम करने को दीजिए, आप देखेंगे वो उस काम को भी नहीं करेंगे, कोई भी उस काम को करने के लिए स्टेप नहीं उठाएंगे और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही समझेंगे। यस फ्रेंड्स, और जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने ही नहीं देखता, उन सपनों को जीता है, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते वो बस शिकायत ही करते रहते हैं। यस, आपको शिकायत ही करते हुए मिलेंगे या किसी कोने में बैठे हुए रोते हुए नजर आएंगे या गली मोहल्ले में टाइम पास करते हुए नजर आएंगे। हम तभी इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जब हम अपना बोझ खुद उठाएं। यस, उसके लिए हमेशा रेडी रहें। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे दूसरों को करने के लिए देते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते वो काम सिर्फ गोल गोल ही घूमता रहता है, ना कभी पूरा हो पाता है और ना ही कभी वो व्यक्ति सफल हो पाते हैं। यस फ्रेंड्स, जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डालना आज से ही बंद कर दीजिए। और अगर आपको महान बनना है, यदि आप महान बनना चाहते हैं, तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझें, अपना बोझ खुद उठाएं। यस फ्रेंड्स, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, दूसरों पर ब्लेमिंग डालना स्टॉप करें। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने काम चोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से बनता है। डियर फ्रेंड्स, यस, उसको अंडरस्टैंड करने से बनता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी है एक रमेश की। यस, रमेश एक चौकीदार था और रात में पहरा देने का काम किया करता था दोस्तों।
रमेश के बारे में ऐसी मान्यता थी कि वो जब भी सपना देखता वो सच हो जाता। उसका मालिक व्यापार के सिलसिले में हर हफ्ते बस से यात्रा किया करता था। एक सुबह जब वो मालिक अपनी यात्रा के लिए जा रहा था तो वो तैयार हो रहा था। उस टाइम पे उसका नौकर आया, रमेश आया और आकर के बोला कि मालिक आज आप न जाएं, कृपया आप दूसरे दिन व्यापार के सिलसिले में बाहर जाएं, शायद आज बस में दुर्घटना हो सकती है। उस दिन मालिक ने अपनी यात्रा पर न जाने का फैसला लिया और रमेश ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो गया दोस्तों। बस जो बस थी वो बस पेड़ से जाके टकराई और खाई में जाके गिर गई। आप जानते हैं डियर फ्रेंड्स, सेम टू सेम वैसा ही हो गया जैसा रमेश ने बोला था। अभी क्या आप जानते हैं, रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया और उसे पूरा पेमेंट दिया, इवन एक्स्ट्रा मनी दी, और उसके बाद उसको नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने, आप जानते हैं? उसने इसलिए किया कि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा था। उसका काम था वहां की चौकीदारी करना और वह रात के समय सपने देखा करता था, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा था। इसी वजह से उसको व्यापारी ने निकाल दिया। यस फ्रेंड्स, दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तब दूसरों पर गलती थोपना बंद करेगा। तभी हम और आप और हमारा ये देश काफी आगे बढ़ेगा। जब देश का हर नागरिक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, डियर फ्रेंड्स। यस, इसीलिए मैं चाहती हूं कि पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं और अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएं। डियर फ्रेंड्स, आप बच्चों को डेली एक एक टास्क दीजिए। यस, हो सकता है, पॉसिबल है तो आपके घर में अगर कोई छोटा पौधा है तो उसे बच्चे को दीजिए। बच्चे को एनवायरनमेंट से अटैच रखिए, एनवायरनमेंट से दूर मत रखिए। यस फ्रेंड्स, और बच्चे को बोलिए ये प्लांट आपका है एंड आपको जो कुछ भी करना है आप इस प्लांट्स को उगाइए या फिर मार दीजिए, आपके ऊपर है। तो बच्चा उस पौधे को ऑब्वियसली उगाएगा और उगाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे प्लांट्स में ग्रो होगा उसमें अंकुर आएंगे, बर्ड्स आएगी एंड देन फ्लावर्स आएगा। तो आप देखेंगे बच्चा दौड़ दौड़ के आपके पास आएगा और बोलेगा मम्मा एंड डैडी कम 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 विद मी, आई शो यू, कम आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया, आज उसमें पत्ते आने लगे, आज उसमें फूल आने लगे। यस फ्रेंड्स, ऐसा बोलेगा और उस टाइम पे क्या बोलेगा जानते हैं? वो बहुत खुश होगा, इतना हैप्पीनेस फील करेगा जो कभी वो अपनी लाइफ में नहीं फील कर पाएगा। यस बच्चे एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि उन्हें एनवायरनमेंट से जुड़े रहना चाहिए। हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं जैसा कि हम सब जानते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड डियर माई बेस्ट टीचर्स एंड डियर माई पेरेंट्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों को अगर समझेंगे तो बच्चे हमें समझेंगे। डियर पेरेंट्स, आप बच्चों को देखेंगे, जो बच्चे धीरे धीरे नहीं पढ़ते हैं वो धीरे धीरे पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी पढ़ाएंगे और आप पेरेंट्स अपने ऑफिस का काम भी आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, आप भी खुश, बच्चे भी खुश, घर का माहौल भी खुश, पूरी हैप्पीनेस से भरा रहेगा। बस इसी हैप्पीनेस के साथ मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपने बच्चे का विकास चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, तो बच्चे को नेचर के संपर्क में रखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ कमेंट, शेयर
एंड सब्सक्राइब. थैंक यू डियर पेरेंट्स एंड थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.